वन नेशन वन राशन कार्ड। मार्च 2020 में लगे पहले नेशन वाइड लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित कोई वर्ग था तो वो था प्रवासी वर्ग। राशन कार्ड होते हुए भी विडंबना ये थी कि इन्हें राशन नहीं मिल सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन उसी जगह से ले सकते हैं जहां आपका परमानेंट रेसिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूपी का वर्कर दिल्ली में काम करता है तो वो राशन सिर्फ यूपी से ही ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लाकर अब सरकार ने इसी मुश्किल को हल कर दिया है। जब भी कोई बेनिफिशियरी राशन शॉप पे जाएगा तो उसके आधार कार्ड के डेटा को उसके स्मार्ट राशन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा और स्मार्ट राशन कार्ड की चिप में उस डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा। अब राशन शॉप के पास एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगा जिससे कार्ड होल्डर के बायोमेट्रिक्स को स्मार्ट राशन कार्ड की चिप के डेटा से मैच किया जाएगा और फिर राशन दिया जाएगा। आपका क्या सोचना है इस स्कीम को लेकर?